इसराइल और हमास में चल रहे जंग के खौफ से भारतीय लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। जंग के मैदान से सुरक्षित बचाकर लाए गए 212 भारतीय। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल में फंसे भारतीयों को लेकर पहला दल दिल्ली लौटा। वतन वापसी के बाद भारतीयों ने फ्लाइट में लगाए भारत माता की जय के नारे। आंकड़ों के मुताबिक इसराइल में तकरीबन 18,000 भारतीय फंसे हुए हैं और सभी को बारी बारी से लाया जाएगा। आज दिल्ली लौटे फ्लाइट में एक बच्चा और अधिकतम छात्र छात्राएं हैं। चार्टर्ड फ्लाइट से लोगों को निकाला जा रहा, पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वायुसेना को भी रेस्क्यू मिशन में लगाया जाएगा। इसराइल से 212 भारतीय नागरिकों का स्वागत। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया एयरपोर्ट पर नागरिकों से केंद्रीय मंत्री ने बात की। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा सरकार किसी भी भारतीय को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। सरकार और प्रधानमंत्री मोदी भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नो टुडे इज द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ऑपरेशन विजय एंड दिस इज कंप्लीटली इन कीपिंग विद आवर प्राइम मिनिस्टर्स विजन, प्राइम मिनिस्टर्स डिटर्मिनेशन दैट आवर गवर्नमेंट, हिज गवर्नमेंट विल नेवर लीव एनी इंडियन बिहाइंड। Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely. युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित वापस लौटी महिला ने आप बीती सुनाई, कहा कि चारों ओर सायरन बज रहे थे, शेल्टर लेने को मजबूर थे, पीएम मोदी की वजह से हम भारत सुरक्षित लौट आए। डर तो लगता था, जब सायरन बजता था तो हम लोग को 1.5 मिनट का टाइम मिलता था जाने के लिए सेंटर में, तो उसकी डर लगता था क्योंकि बच्ची छोटी थी, तो डर लगता था कि हमको 1.5 मिनट के अंदर ही जाना। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से भारत लौटे मनोज कुमार ने विदेश मंत्रालय को थैंक यू कहा। मनोज इसराइल में बतौर पोस्ट डायरेक्टोरल फेलो के रूप में काम कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक इंडियन एम्बेसी ओवर देयर इन टेल अवीव, दे सपोर्ट एवरी टाइम फॉर देयर सिटीजंस इन इसराइल। They started a portal. We registered at night, 12 o'clock. In the morning, they confirmed that yes, today you have flight. You can fly to India. And this process was very excellent. And we. 5 महीने के बच्चे के साथ भारत वापस लौटी एक महिला ने सरकार को धन्यवाद दिया, कहा वहां बज रहे सायरन और मंजर बेहद ही डरावना अनुभव रहा। इसराइल में भारतीय राजदूत संजीव सिंगला खुद तेल अवीव एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। उनकी देखरेख में भारतीय छात्र, श्रमिक और बिजनेस प्रोफेशनल्स को स्वदेश रवाना किया गया। इसराइल और हमास में चल रहे संघर्ष में अब तक 2,800 से ज्यादा लोगों की मौत। इसराइल लगातार गाजा पट्टी पर बरसा रहा बम। गाजा पर इसराइल की बमबारी जारी है, हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इसराइल के सूफा में इजरायली सेना का जबरदस्त एक्शन, हमास आतंकियों के चंगुल से 250 बंधकों को सकुशल छुड़ाया। इजरायली सेना ने सूफा में 60 हमास आतंकियों को मार गिराया, 26 आतंकियों को इस दौरान सेना ने गिरफ्तार भी किया। इसराइल ने 3,500 से ज्यादा हमास ठिकानों पर बमबारी की। इजरायली सेना ने टैंकों के जरिए गाजा की घेराबंदी कर दी। इसराइल ने लोगों को गाजा पट्टी खाली करने के लिए कहा। इसराइली सेना ने हेलीकॉप्टर से पर्चियां गिराकर लोगों को दी गाजा पट्टी खाली करने की चेतावनी। लोगों से गाजा पट्टी खाली कराने के इसराइल के आदेश का संयुक्त राष्ट्र ने विरोध किया। 11 लाख लोगों को खाली कराने के लिए कहा गया। गाजा पर हुए एयर स्ट्राइक से मानवीय त्रासदी पैदा हुई। गाजा में लोगों पर भुखमरी का खतरा मंडरा रहा। इसराइल फिलिस्तीन खालिस्तान समर्थकों की धमकी के बाद अलर्ट पर गृह मंत्रालय। जेड कैटेगरी की सुरक्षा के घेरे में रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एस जयशंकर की सुरक्षा सीआरपीएफ की वीआईपी सिक्योरिटी विंग करेगी। जयशंकर की सुरक्षा में 14 से 15 हथियारबंद कमांडोज शामिल होंगे। खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा में विदेश मंत्री के खिलाफ पोस्टर्स लगाए। आपत्तिजनक पोस्टर्स के बाद भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके तलब किए गए। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज बड़ी बैठक। दिल्ली में दूसरे दिन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में एमपी तेलंगाना के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। कल हुई बैठक में मिजोरम छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा पितृपक्ष के बाद कांग्रेस जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट।
राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। आज जयपुर में कांग्रेस प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाई गई। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सीएम गहलोत समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। संजय सिंह ने ईडी रिमांड को दी चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट में संजय सिंह ने दी है चुनौती। हाईकोर्ट में आज ही होगी सुनवाई। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। मंगलवार को 5 दिनों के लिए बढ़ी संजय की रिमांड, आज खत्म हो रही है। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी की घोषणाओं पर सीएम शिवराज सिंह ने तंज कसा। कमलनाथ पर निशाना साधते हुए शिवराज ने कहा कमलनाथ अब गांधी परिवार को ठग रहे हैं। उनकी योजना केवल झूठ बोल के छलने की योजना है। पहले जितने वादे किए कौन से पूरे किए? जनता भ्रम में नहीं आने वाली। कांग्रेस ने मोहब्बत की नहीं झूठ की दुकान खोली है। झूठ। शिवराज सिंह ने कहा प्रियंका गांधी से जबरन घोषणाएं करवा रहे हैं कमलनाथ, ना लेना है ना देना है तो कुछ भी बोलते हैं। इस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। कांग्रेस का झूठ है, लगातार झूठ बुलवा रही है राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो। लेकिन ये P20 सम्मेलन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने P20 को दुनिया भर के अलग अलग संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ बताया। पीएम मोदी ने कहा दुनिया संकटों से जूझ रही है, आतंकवाद वैश्विक समस्या है, इससे कड़ाई से निपटने की जरूरत है। पेपर लीक मामले में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की छापेमारी। दिनेश खोड़िया और रिश्तेदारों पर ईडी का एक्शन। दिनेश खोड़िया की बाबूलाल कटारा को आरपीएससी मेंबर बनाने में रही भूमिका। ईडी को मिले पुख्ता सबूत। सुरेश ढाका की महिला मित्र स्पर्धा चौधरी के ठिकानों पर भी पहुंची थी। ढाका को भागने और अंडरग्राउंड होने में स्पर्धा चौधरी ने की थी मदद। राजस्थान में डूंगरपुर के सांकवाड़ा में ईडी की टीम की छापेमारी। बिजनेसमैन अशोक जैन के घर पर सुबह से ईडी की रेड जारी। तमिलनाडु में कोविलाडी में ईडी की छापेमारी। कोल्लीडम नदी से रेत खनन के मामले में ईडी की रेड। कोयंबटूर के बिजनेसमैन के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी जारी। सेंटियागो मार्टिन ऑफ लॉटरी मार्टिन के घर आईटी की रेड का आज दूसरा दिन। तेलंगाना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हैदराबाद में जांच के बाद 5 लाख रुपए बेनामी कैश पुलिस ने जब्त किया। दिल्ली के नेहरू एनक्लेव में वीर सावरकर सर्वोदय कन्या विद्यालय में मेगा पीटीएम का आयोजन। इस दौरान दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिश सिंह और उप महापौर अली मोहम्मद इकबाल ने पेरेंट्स से बातचीत की। आप मंत्री आतिश सिंह ने मेगा पीटीएम के आयोजन पर खुशी जाहिर की। कहा पिछले 8 सालों से दिल्ली की शिक्षा क्रांति में अभिभावकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूल्स में आज पीटीएम है, सारे दिल्ली सरकार के स्कूल्स में आज पीटीएम है और पिछले 8 सालों से जब से दिल्ली सरकार में इस शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई है माता पिताओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जननायक जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज से राजस्थान में जन संकल्प यात्रा शुरू कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला राजस्थान में कई रोड शो करेंगे, स्थानीय लोगों से रूबरू होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। मोहन भागवत संगठन के कामकाज सामाजिक उत्थान की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शनिवार को आरएसएस प्रमुख समन्वय समिति की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। कठुआ में स्वयंसेवकों की एक सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे गाजियाबाद, रैपिड एक्शन स्टेशन का निरीक्षण किया। 16 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले सीएम हेमंत सोरेन। राजभवन में हुई शिष्टाचार मुलाकात। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब की ओर से आयोजित पूजा कार्यक्रम का वर्चुअली शुभारंभ किया। कोलकाता में श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भव्य नजारा। हर साल नवरात्रि में भव्य दुर्गा पूजा देखने के लिए श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब आते हैं माता के भक्त और सैलानी। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंची। कोलकाता में एक पूजा कमेटी ने मासिक धर्म स्वच्छता की थीम पर आधारित एक दुर्गा पूजा पंडाल बनाया।
मध्य प्रदेश में दुर्गा पूजा के लिए तैयारियां जोरों पर। नवरात्रि उत्सव से पहले छतरपुर में महिलाओं और बच्चों ने गरबा के लिए रिहर्सल किया। रामनगरी में रामलीला मंचन की हुई भव्य शुरुआत। साधु संतों ने विधि विधान से की भगवान श्री राम की पूजा अर्चना। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने त्योहार से पहले दी सौगात। राम मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हुआ। यूपी में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। दुर्गा पूजा, विजयदशमी, दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए 15 अक्टूबर से 20 नवंबर तक छुट्टियों पर रोक। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन जाना जाएगा। इस मौके पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया पुराना संसद भवन। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार हैदराबाद की व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में शरद उद्धव गुट की दायर याचिका पर भी सुनवाई। शिंदे अजित पवार गुट के बागियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की अपील। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। वजूखाने को खोलने, कथित शिवलिंग के सर्वे और श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा से जुड़ी याचिका की वैधता को लेकर दायर याचिका। वर्ल्ड कप मैच में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर लोगों में उत्साह। इंडिया की ब्लू जर्सी पहनकर मैच देखना चाहते हैं लोग। बाजारों के साथ साथ ऑनलाइन भी लोग ऑर्डर कर रहे हैं ब्लू जर्सी। ब्लू जर्सी बनाने वाली कंपनियों ने भी 20 मिनट में जर्सी घर पहुंचाने का ऑफर दिया। दुनिया की सबसे कम वजन वाली वर्ल्ड कप की गोल्ड से बनी ट्रॉफी। अहमदाबाद में रऊफ शेख ने 0.900 मिलीग्राम वजन की विश्व कप की ये ट्रॉफी बनाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सरताज सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरियाणा के किसानों के साथ करेंगे डिनर। नए संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति 50 किसानों के साथ करेंगे रात्रि भोज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी उत्तराखंड पहुंचे। मुकेश अंबानी ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। नेपाल ने भी अपने 253 छात्रों को इसराइल के तेल अवीव से एयरलिफ्ट किया। इस दौरान विदेश मंत्री एनपी सऊद ने विमान में सवार छात्रों का अभिवादन किया। इसराइल से निकाले गए नेपाली छात्रों का पहला बैच नेपाल की राजधानी काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचा। मुंबई में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने सोने की तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। डीआरआई की टीम ने छापेमारी कर 2.1 किलोग्राम सोना और करीब 6.5 करोड़ रुपए जब्त किए। जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर मॉड्यूल का नेटवर्क पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 30 किलोग्राम कोकेन, 5 करोड़ रुपए की नकदी, 40 नकली वाहन नंबर प्लेट्स, पासपोर्ट और एक जर्मन निर्मित रिवॉल्वर बरामद की। यूपी के लखनऊ में एटीएस को बड़ी सफलता हासिल हुई। जाली दस्तावेजों के जरिए मानव तस्करी कराने वाले सिंडिकेट के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए।